subscribe and click the bell icon for television updates. I think बहुत बहुत ज़्यादा overwhelmed हूँ मैं. You know about the fact कि I'm so so lucky कि मुझे अपना पहला break मिला, इतने बड़े platform के साथ, colors के साथ जुड़ने का मौका मिला. छोटी सरदारनी जो एक story है, एक इतनी independent लड़की की जो सही में लोगों का ना माइंड और जो परसेप्शन है लड़कियों की तरफ वो चेंज करने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गर्ल्स जर्नी एंड ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू सो मच टू एवरीबडी हु इज़ मेड श्योर दैट आई एम हियर. और प्लीज़ आप भी प्यार दे दीजिएगा. सो मेहर बहुत ही चुलबुली सी लड़की है. बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है. शी इज़ वेरी ब्लैक एंड वाइट. वो अपने सही, यू नो, उसके लिए कोई ग्रे नहीं है. मतलब सही है तो सही है, गलत है तो गलत है. एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंडिपेंडेंट. सो उसके सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे किस तरह की प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, अब शी विल सम हाउ मैनेज टू, यू नो, मूव अहेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. सो इट्स द जर्नी ऑफ दिस गर्ल एंड उसकी लाइफ और उसकी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उस सब के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड. I feel that this entire show, ये एक ऐसा show है जो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, आई फील लड़कों को भी ये रिमाइंडर रहेगा कि जो हम अपनी बच्चियों को एकदम बंद करके रखते हैं या उनको अलग ट्रीटमेंट देते हैं, हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और अपनी बच्चियों को बस उड़ने देना चाहिए. यू नो, वी शुड नॉट ट्राई एंड होल्ड ऑन टू देयर ड्रीम्स. उनको बस आज़ादी दो एंड आज़ादी सही मायने में दो. यू नो, अगर लड़कों को दे रहे हो तो लड़कियों को भी दो. बिसाइड्स दैट आई फील कि हम भूल जाते हैं ना, औरतें भूल जाती हैं कि हम इनहेरेंटली, हमें बनाया इतना स्ट्रांग है कि हम चाहे किसी भी सर्कमस्टांस में हो, हम यू नो, हम पीछे नहीं हटने वालों में से. सो दिस शो अगेन विल बी अ रिमाइंडर टू एवरी गर्ल दैट यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग. सो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कभी भी. आई फील टच वुड जिसे कहते हैं ना कि आपकी ये बहुत लक की बात होती है कि आप अपने को एक्टर्स के साथ एक बहुत ही वॉर्म सा इक्वेशन शेयर करें. एंड वेरी ऑनेस्टली इट फील्स लाइक अ फैमिली. यू नो, सारे को एक्टर्स जो हैं सब अच्छे हैं, सब अपने क्राफ्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं. तो जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, जब आपके आस पास पॉजिटिविटी रहती है, तो अपने आप काम काम नहीं लगता और उसमें मज़ा आने लगता है. सो